हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं घूमने के प्लान में। तो यहाँ पर ध्रुवा और उसके फ्रेंड्स बनकर प्लान बना रहे होते हैं। वहीं पर कंपटीशन में वो लोग सारा की जगह दूसरी लड़की को ले आते हैं, मैगी को। तो वहीं पर वो सब प्लान बनाते हैं और वहीं पर आयुष मैगी से बोलता है, तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। और वहीं पर सभी आती है और बोलती है हो गई सारी तैयारियाँ। तो वहीं पर ध्रुवा और उसके सारे फ्रेंड्स उनका प्लान बना चुके होते हैं और सभी जहाँ अपनी पेंटिंग बना रही होती है, सब कंपटीशन की बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, सब बहुत इज्जत से काम कर रहे होते हैं। तभी इशान आता है और सभी के पास जाता है, तो एकदम बोलता है सभी, फिर सभी एकदम से पीछे मुड़ती है, तो फिर एकदम से वो गिरने वाली होती है। तो तभी ईशान के ऊपर वो गिर जाती है और ईशान उसे पकड़ लेता है और तभी सब बच्चे उसे देखते रहते हैं और सभी बहुत मुस्कुराते हैं। और वहीं पर ध्रुवा और उसे फ्रेंड्स देखते हैं, उन्हें बहुत जलन होती है। तो वहीं पर जहाँ ईशान सभी को बचाता रहता है, तो वहीं पर ध्रुवा फोन निकालती है और फोन निकाल के अक्का साहब को वीडियो कॉल कर देती है। और जैसे ही वो वीडियो कॉल उठाती है तो ईशान और सभी साथ नजर आते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा जलन मचती है। वो बोलती है सभी मेरे ईशान के साथ क्या कर रही है, और उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है वो इस चीज़ को देखकर। वहीं पर ईशान के कपड़े भी पेंट से ख़राब हो जाते हैं, तभी सभी बोलते हैं सॉरी सॉरी। तो ईशान को पहले की बात याद आती है कि पहले भी सभी ने उसके कपड़े ख़राब कर दिए थे। वहीं पर सभी अपनी बुक निकालती है और बोलती है देखिए मैंने सब लिख रखा है, जैसे मैं जॉब करने लग जाऊंगी वैसे ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। फिर वहीं पर अक्का साहब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, वो सभी शाम से मजाक करती रहती है। फिर वो सब अपना अपना काम करने में लग जाते हैं। तो सभी वहाँ से जाती है और वहीं पर वो किसी बोतल से टकरा जाती है और वहीं पर सारा भी रहती है। फिर सभी उसे देखती है और बोलती है सारा तुम तो नीचे थी ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है।